सेमीफाइनल में पाकिस्तान भले ही ऑस्ट्रेलिया से हार गया हो, लेकिन टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम चर्चा में बना हुआ है। खलीज टाइम्स के मुताबिक मैच से दो दिन पहले मोहम्मद रिजवान फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण आईसीयू में भर्ती थे। रिजवान का इलाज भारतीय डॉक्टर साहिर सैनाल बदीन ने किया था। इसके बाद रिजवान ठीक होकर मैच खेलने पहुंचे थे। रिजवान जब पूरी तरह से ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी जर्सी भी भारतीय डॉक्टर को दी। डॉक्टर साहिर सैनाल बदीन ने बताया कि रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हर हाल में खेलना चाहते थे। वो बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने जिस तेजी से रिकवर किया उससे मैं चकित हूँ। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो T20 फॉर्मेट एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे।